तो ओके फ्रेंड, कैसे हो? तो फ्रेंड, आज मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, आपने थंबनेल देखी होगी, हमारी फ़ोटो बहुत ही गजब की हुई है, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, मैं आज आपको वैसी फ़ोटो एडिट करके बताऊंगा कि आपको ऑरेंज और एक्वा कलर जो हमने फ़ोटो में डाला है दोस्तों, वो कैसे डाला है। तो उसका ट्यूटोरियल मैंने आपके लिए बनाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबा देना। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और आप वीडियो देख लोगे सबसे पहले। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना दोस्तों, ठीक है? वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, अपनी फ़ोटो ओपन करनी है दोस्तों। फ़ोटो ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल स्टेप से समझना है। वीडियो को ज़रा से भी स्किप मत करना, ठीक है दोस्तों? अभी देखें, मेरी फ़ोटो में बहुत ही डार्कनेस है और थोड़ा चेहरा भी अभी स्मूथ नहीं है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से फ़ोटो को हमको दोस्तों स्नैपशीट में हम फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं। स्नैपशीट में ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से जाना है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से जाना है हमको सिलेक्टिव में। सिलेक्टिव में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से एक बिंदु सेलेक्ट कर लेना है। बिंदु को हम यहाँ पे अपनी सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। इसको हम जूम कर लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं ताकि हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाए दोस्तों। यहाँ पे एक बिंदु रख देते हैं दोस्तों, हम यहाँ से फटाफट बिंदु रख देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा टाइम भी आपका व्यस्त नहीं जाए, फोटो एडिटिंग करना सीख जाओ, ठीक है? यहाँ से हम इसको इतना कर देते हैं दोस्तों, हमारी फ़ोटो में काफ़ी हद तक फ़ोटो सही लगने लगती है दोस्तों। तो हमको एक बिंदु यहाँ पे रख देना है दोस्तों। यहाँ पे रखने से क्या होगा दोस्तों, हमारी जो गर्दन पे ब्लैक पार्ट हो सही हो जाएगा दोस्तों। एक बिंदु यहाँ से रख देते हैं दोस्तों, ताकि हमारा जो फेस है वो एकदम अच्छी तरह सही हो जाए दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा हमारे में फेस आ गया है। तो हमें हमको क्या करना है दोस्तों, जाना टून इमेज में। टून इमेज में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से इसको बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट कम कर देना है दोस्तों, सोच रहे थोड़ी बढ़ा देना है दोस्तों, वाइब्रेंस को थोड़ी बढ़ा देना है, हाईलाइट को थोड़ा कम कर लेना है, शेडो को बढ़ा देना है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे इफेक्ट आ चुका है मेरी फ़ोटो में। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से हमको जाना है वाइट बैलेंस में। वाइट बैलेंस में जाने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, इसके बाद कर देना है यहाँ से डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से हम कर लेते हैं फ़ोटो को अपनी सेव, ठीक है दोस्तों? दोस्तों मेन पार्ट आता है हमारा लाइट रूम में दोस्तों, क्योंकि जो हम एक्वा और ऑरेंज कलर डालेंगे वो हम डालेंगे लाइट रूम ऐप से। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कर देना दोस्तों, हम आपको स्टेप बाई स्टेप समझ जाएंगे, ठीक है? यहाँ से कर लेते हैं हम लाइट रूम के बाद दोस्तों आपको क्या करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपनी फ़ोटो लाइट रूम में ओपन कर रखी है। तो दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ से, दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है लाइट में, ठीक है? इसकी लाइट को हमको एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। तो हम इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, काउंटर को हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं दोस्तों, हाईलाइट थोड़ी कम कर लेते हैं, शैडो शैडो को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं दोस्तों, और ब्लैक को कम कर लेते हैं, ठीक है? तो इससे हमारी फ़ोटो में काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है दोस्तों वाइब्रेंस में। वाइब्रेंस में जाने के बाद दोस्तों आपको इसका थोड़ा सा वाइब्रेंस बढ़ा देना है, सैचुरेशन को थोड़ा कम कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है मिक्स टूल पे। मिक्स टूल में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है पहले इस टूल पे, मतलब पिंक कलर पे, और इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं। इसके बाद जाना है आपको ये ब्लू को। ब्लू को दोस्तों हम अगर कम ज़्यादा करते हैं, अगर ज़्यादा करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बेकार फोटो लगेगी हमारी, और कम करेंगे तो बहुत ही औसम फोटो लगेगी दोस्तों हमारे। इसको हम यहाँ से बढ़ा देते हैं इसकी सैचुरेशन। सैचुरेशन बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कम कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ से कर लेना है एक कलर। एक कलर को करने से आपको यहाँ से फुल बढ़ा देना है दोस्तों, ठीक है? फुल बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आपको पूरा कम कर लेना है दोस्तों। कम करने से दोस्तों क्या होगा, हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाएगा दोस्तों। इसको भी पूरा हम कम कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हमारी फ़ोटो पूरी तरह एडिट नहीं हुई है,
तुमको क्या करना है दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ से कर देना थोड़ा सा इतना समथिंग, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हो गया, इसको इतना कर देते हैं ताकि मेरी फोटो में एक अच्छा फर्क आ जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी हद तक सही हो गई है, क्योंकि ये हमारी फ़ोटो कुछ बिफोर की फ़ोटो है, ये हमने थोड़ी रिटच कर दी, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ चुका है हमारी फोटो में। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसके टेंट को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, फोटो बहुत ही अच्छा एक और ऑरेंज कलर आ जाएगा, ठीक है। इसको टेंट को थोड़ा सा कम कर लेना है दोस्तों, कम करने से दोस्तों बहुत ही गजब की फोटो एडिट हो रही है हमारी टूल से। इसको हम दोस्तों यहाँ से क्लैरिटी में जाते हैं, इसकी क्लैरिटी को थोड़ा कम कर देते हैं दोस्तों, इसको हम कम कर देते हैं और डैश को थोड़ा बढ़ा देते हैं दोस्तों। इसको बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, मेरी फोटो में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ चुका है, ये कुछ बिफोर वाली फ़ोटो है दोस्तों, बहुत ही मस्त एडिट हुई है, थोड़ी इसको हमने रिटच करके बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है शार्पिंग में, इसकी शार्पिंग को आपको बढ़ा देना है, ठीक है, और इसकी डिटेल को बढ़ा देना है दोस्तों। डिटेल को बढ़ाने से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाता है मेरी फ़ोटो में। इसके बाद आपको नॉइस रेडिकेशन को थोड़ा बढ़ा देना है, इसके बाद डिटेल को बढ़ा देना है। इसको बढ़ाने से क्या होगा दोस्तों, हमारी फोटो में बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको लेंस प्रोफाइल करेक्शन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर आपको और भी इफेक्ट चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, फिलहाल यहाँ पर मेरी फोटो बहुत ही अच्छी लगने लगेगी। तो इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कर्व में जाना है, कर्व में जाने के बाद दोस्तों आपको लेफ्ट साइड कर देना है। लेफ्ट साइड करने से दोस्तों हमारी फोटो एकदम अंट लगने लगी है, यहाँ से कर देते हैं सेव दोस्तों, ठीक है। सेव करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आफ्टर बिफोर हमारी फ़ोटो बहुत ही अच्छी रिटच हो चुकी है हमारी फ़ोटो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर लाइटरूम से और रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैंने आपकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए दोस्तों, और आई बटन पर वीडियो दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर दोस्तों वीडियो देख लेना, बहुत ही मस्त एडिटिंग होगी दोस्तों। मिलते हैं ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय।